हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और दोस्तों, आज हम जिस कार का रिव्यू करने जा रहे हैं वो अपने सेगमेंट की बेस्ट कार है, उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम रिव्यू कर रहे हैं हुंडई क्रेटा का, मतलब हुंडई क्रेटा SX डीजल मॉडल है ये। अपने आप में ज़बरदस्त कार है। सो गाइज, इस गाड़ी का लुक कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमें डे टाइम कनेक्टिंग LED लैंप मिलते हैं, और मतलब यार ये बहुत ज़बरदस्त है। और हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमें यहाँ पर वाइट LED हेडलैम्प मिलते हैं, मतलब जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मतलब ये फॉग लैंप ख़त्म कर दिए हैं। और यार हम बात करें इसके बम्पर की, तो मतलब इसके बम्पर की लुक तो यार बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत ही मतलब ये जो चेंज है ये बहुत ही अच्छा यूनिक चेंज है, इसकी लुक में चार चांद लगा देता है, इसे एक एग्रेसिव लुक देता है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। यार हुंडई लोगों की यार ये इन्होंने मतलब हुंडई ने बड़ा किया है। ये फ्रंट कैमरा मिलता है हमें जो बहुत ज़बरदस्त है। सो गाइज़, यहाँ पे हमें डे टाइम कनेक्टिंग LED लैंप मिलते हैं, और मतलब यार ये बहुत ज़बरदस्त है। और हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमें यहाँ पर वाइट LED हेडलैम्प मिलते हैं, मतलब जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मतलब ये फॉग लैंप ख़त्म कर दिए हैं। और यार हम बात करें इसके बम्पर की, तो मतलब इसके बम्पर की लुक तो यार बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत ही मतलब ये जो चेंज है ये बहुत ही अच्छा यूनिक चेंज है, इसकी लुक में चार चांद लगा देता है, इसे एक एग्रेसिव लुक देता है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। हम बात करें इसकी साइड लुक की, तो इसकी साइड लुक में कोई मेजर चेंज नहीं है। और यार हम बात करें इसकी ये चीज़, ये डिज़ाइन जो है ये मतलब क्रेटा की पहचान है। मुझे लग रहा था कि मतलब कंपनी ये चेंज करेगी, बट ये चेंज नहीं किया, बहुत ही अच्छा लगता है। ये क्रेटा की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। हम बात करें इसके व्हील साइज़ की, तो व्हील साइज़ यहाँ पर हमें 17 इंचज़ का मिलता है। और मतलब कंपनी ने यहाँ पर इसके अलॉयज़ का डिज़ाइन चेंज किया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो मेजर चेंज किया है, मतलब रियर व्यू में कंपनी ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिलती है, जो कि LED में मतलब पहले मुझे अच्छा नहीं लगा था, मतलब ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब यार देखते देखते मतलब बाद में पता चलता है कि यार कंपनी ने चेंज किया है, तो यार कुछ अच्छा ही होगा। और वहीं बात करें हम इसके SX लोगो की, यार बड़ा ज़बरदस्त है। बट यार ये क्रेटा का लोगो जो है यार ये छोटा कर दिया, मतलब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। पहले यहाँ पर पूरा बड़ा क्रेटा लिखा आता था, अब ये छोटा कर दिया है। मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, बट यार दिखता नहीं है, लेकिन लुकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और ये यहाँ पर हमें शार्क फिन एंटीना मिलता है, और ये रूफ रेल्स आप देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी यार बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब फिट एंड फिनिश में हुंडई का कोई तोड़ नहीं है। सो गाइज, अब हम बात करें इसके इंटीरियर, ये मतलब स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग का डिज़ाइन कंपनी ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब हमें ये ग्रे फिनिश में मिलता है, और ये क्रोम ब्लैक में मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और ये यहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अडास है, अडास का फीचर यार बड़ा ज़बरदस्त है। इसका अडास सुबह में बहुत ही नेक्स्ट लेवल है यार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यार बड़ा ज़बरदस्त है ये, जो मतलब अब ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कर दिया है, बहुत अच्छा। मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना अच्छा लगता है, डिज़ाइन मैं फ़ैन हो गया हूँ इसका, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग बताना कि आपको कैसा लगता है, मतलब क्रेटा में जो चेंज हुए हैं आपको कैसा लगा। और यहाँ पर हमें 10 इंचज़ की LED स्क्रीन मिलती है, जो अपने आप में मतलब ये आप देख सकते हैं, पहले ही अलग अलग आती थी, अब ये पूरी की पूरी एक ही है। और यार ये टच स्क्रीन बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हमें ऑल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हम यहाँ से मतलब सारे म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हैं। AC वेंट्स देख सकते हैं आप, इनकी क्वालिटी देख सकते हैं यार बड़ी ज़बरदस्त है। ये मतलब फ्रंट की जो सीट है वेंटिलेटेड सीट है, आप देख सकते हैं ये वेंटिलेशन का ऑप्शन है,
बड़ा जबरदस्त है। और यार ये मतलब BMW वाला कर दिया है। तो कार्तिक भाई आप क्या कहोगे भाई? ये BMW वाले इसके हैंड इसका ना जो मतलब गियर नो भाई, ये मतलब इसका ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में ये पकड़ने वाला ना, इसका फैन मैं जब से हूँ, जब तुम आए थे ना मेरे पास मार्च पीले साली यादव ने बताया था, मैंने भैया वो BMW वाला फील है वैसे पकड़ने पे। यहाँ पर हम बात करें कूल ग्लव्ड बॉक्स की, यार बढ़िया है मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, चारों विंडो पावर विंडो है यार, बड़ा मतलब इसके जो इंटीरियर की स्विच की बटन की क्वालिटी है ना यार, क्वालिटी का आप देख सकते हैं मतलब कितनी प्रीमियम क्वालिटी है, बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पर हमें ड्राइविंग ट्रैक्शन मिलता है जिसके अलग अलग मोड है यार, बड़ा जबरदस्त है। और ये ऑटो होल्ड पार्किंग सेंसर है, बड़ा जबरदस्त है। और ये यहाँ पर हमें कप होल्डर मिलते हैं जिनकी मतलब एक बहुत अच्छा स्पेस है, बड़ा जबरदस्त है। और यार ये आर्मरेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा बेस्ट। और यहाँ भी हमें स्पेस मिलता है, देखो यार कितना स्पेस है, इतना स्पेस, बड़ा जबरदस्त, बहुत स्पेस है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं यार। मैं तो मतलब इसका फैन तो पहले से था, और मतलब जो इसमें फेस लिफ्ट में जो चेंज किया है मुझे यार बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करना और बताना कि आपको ये कैसा लगा, और यार जिनके पास क्रेटा है वो मुझे जरूर कमेंट करना यार। यहाँ पे हमें सन प्रोटेक्शन कर्टेन मिलते हैं, मतलब जो आपको धूप से बचाते हैं यार, यार बहुत ही ये इसको एक लग्जरी लुक देते हैं, बहुत ही अच्छा है। और वहीं हम बात करें इसके एसी इवेंट्स की, एसी इवेंट्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर हमें टाइप सी चार्जर मिलता है, मतलब यहाँ पर हमें मोबाइल होल्डर मिलता है, मतलब यार। और ये आप देख सकते हैं कि बॉस के सबवूफर हैं, बड़े जबरदस्त हैं यार। और बात करें हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 199 mm है। यार यहाँ पर ना हुंडई ने एक सेंसर दिया है, अगर जैसे ही इस पे पानी डलेगा तो वाइपर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे अपने। हम इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 22,22,000 समथिंग की, मतलब विद एसेसरीज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है आपको, ये 22,22 से लेके 22,35,40 तक पड़ जाएगी। सो गाइज आप हमें बताना कि आपको हमारा एक क्रेटा का रिव्यू कैसा लगा, और यार जिन जिन के पास क्रेटा है ना वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्रेटा कैसी लगती है, और मतलब क्रेटा में जो 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 चीज़ आपको पसंद है, और मतलब फेस लिफ्ट में जो चेंज किया है, और आपको जो जो चीज़ पसंद है आप वो चीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगती है। सो गाइज आई होप करता हूँ कि आपको ये क्रेटा का रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और यार कमेंट ज़रूर करना, आप कमेंट करना कि आपको क्रेटा कैसी लगती है। सो गाइज ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।